जय सियाराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी मटेरियल यूज़ करें वो आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहो। तो यहां पे सबसे पहले जो पेपर यूज़ करूंगा मैं यहां पे शैडो को ड्रॉ करने के लिए, तो ये जो पेपर है ये ब्रोसो का ग्रे टोन पेपर है, जिसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो आर्टवर्क आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये रहा आर्टवर्क, यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो यहाँ पे इसको कलर करने, इस शैडो के ऊपर हम कलर करने के लिए जो है डॉम्स कलर पेंसिल यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ जो है ऑयल पेस्टल कलर भी यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो हम हाईलाइट करने के लिए जो व्हाइट जेल पेन है इसका भी यूज़ करेंगे, और इसे कैसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया, जिस वीडियो को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके जरूर देखना। और उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बार भी होगा, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ब्लेंडिंग करने के लिए। उसके बाद डार्क करने के लिए कहीं कहीं जगह पर ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से इस आर्ट को ड्रॉ करके कम्प्लीट करूँगा, तो लास्ट तक देखते रहो। तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं पिंक कलर, जिसका नेम यहाँ पे शो हो ही रहा है। तो इस तरह से नेम शो कर दूँ तो हर लोगों के पास जो है ये जो पिंक कलर नहीं होता है, किसी किसी के पास जो 12 पीस वाला जो पेंसिल होता है डॉम्स कलर पेंसिल वो रहता है, और किसी के पास 24, किसी के पास और भी ज़्यादा हो रहता है। तो जो 12 सेट वाला पेंसिल ऑयल पेस्टल कलर, तो उसमें शायद नेम नहीं दिया जाता इस तरह से। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो है जो भी कलर, जैसे मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँ सिंपली मैं ऑरेंज नेम दे देता हूँ, या फिर पिंक यूज़ करूँ तो सिंपली जो है पिंक, और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क वाला पिंक यूज़ करूँ तो डार्क पिंक, इस तरह से दे देता हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आप मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपको वही यूज़ करना है, ये ज़रूरी नहीं। उससे रिलेटेड अगर मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ तो कोई, अगर आप पिंक कलर ही कोई और पिंक कलर यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं होगा कि आपका आर्टवर्क ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप वो भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर इतना भी ख़राब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सेम ही लेना है आपको, ये ज़रूरी भी नहीं है। फिर भी आप लोग, कम ही लोग कहते हैं कि इस तरह से करना है, पर मुझे तो जैसे सिंपल में जैसे नेम ही दे देता हूँ। तो और ज़्यादा लोगों का सवाल भी नहीं रहता है, ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं पहले से इस तरह से देता था। तो अभी से मैं ट्राई करूँगा कि उसका नेम भी दे दूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग और आसानी से और अच्छे से ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर में मैंने क्या पिंक, दो लोअर लेयर कम्प्लीट करने के बाद फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ रेड कलर का जो कलर पेंसिल है डॉम्स कलर पेंसिल, तो उसी का ही लाइटली जो है यहाँ पे ब्लेंड करना है आपको। जो दो लेयर हमने पहले किया था उसको भी आपको बिल्कुल लाइटली ही आपको शेडिंग करना है, धीरे धीरे से घिसना है। घिसना तो आपको फास्ट भी घिस सकते हो, पर आपको प्रेशर कम करना है। नॉर्मली आप जिस प्रेशर से आप शेडिंग करते हो उससे कम से कम 2-3 गुना कम प्रेशर से ही शेडिंग करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर और बहुत सारे लेयर करना होगा। एक ही लेयर में पूरा डार्क कर दोगे पेपर का डेंसिटी, तो उसके ऊपर और कलर हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसलिए पहले लेयर पर बिल्कुल लाइटली ही आपको शेडिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको भी जो है जो रेड कलर यूज़ कर इसमें भी लाइटली ही शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बार में तो फेस हम कम्प्लीट कर देंगे, और नेक्स्ट बार में हेयर्स को ड्रॉ करूँगा, बाकी जो है क्लोथ जो भी है उन सबकी कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पार्ट शायद फाइनल पार्ट ही होगा, तो उन पार्टों को भी देखना, और यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को तो इस टाइम पीरियड को भी जरूर ऐड करना। कोई भी आपका सवाल है ड्राइंग से रिलेटेड तो कमेंट में बता सकते हो। तो देखिए जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहाँ पे किस हिसाब से डार्क है। जहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे आपको शेडिंग तो नहीं करना है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी डार्क दिखे तो वहाँ पे आपको शेडिंग कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होगा इससे डार्क पेंसिल होगा, तो वहाँ पे और देखना होगा आपके कौन जो है कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, उन उन जगह को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको आर्टवर्क के ऊपर शेडिंग करते जाना है, टाइम देना होगा। जल्दी जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपका आर्टवर्क जितना ही जल्दी करोगे उतना ही आपका आर्टवर्क ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो लगभग 2-3 घंटे तो आपको कम से कम देना ही होगा, उससे ज़्यादा दोगे तो और अच्छा होगा। प्लेन टेक्सचर बनाना चाहते हो तो उसके लिए ब्लेंडिंग करने के लिए आपको जो है वाइट कलर, वाइट ऑयल पेस्टल कलर भी है, इससे काफ़ी अच्छे से आप हाई ब्लेंडिंग कर पाओगे। अगर आप इस प्रोसेस से ड्रॉ करते, पहले मैं जो है ऑयल अप्लाई करके करता था, तो इस बार कुछ दिनों से मैं बिना ऑयल अप्लाई करे कर रहा हूँ ड्राइंग, तो इसलिए मैं ब्लेंडिंग के जगह पे ब्लेंडिंग इस बार जो है वाइट ऑयल पेस्टल कलर ही यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर ब्लेंडिंग करने में, और आगे भी कोशिश करूँगा ज़्यादातर जो है इससे ही करने की। तो यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल पहले तो हमने जो पहले लेयर पे मैंने व्हाइट हाईलाइट किया,
वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट है वहाँ वहाँ पे मैंने शेडिंग किया उसको, तो ब्लेंड करके अब हर एक जगह पे मैंने शेडिंग किया, अब आप देख पा रहे हो। तो इसके बाद फिर से मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। तो इस तरह जितने लगभग मैंने ये जो लेयर ऑयल पेस्टल कलर का वाइट कलर, इसका लगभग जो मैंने 7 to 8 times जो है इसका यूज़ किया यहाँ पे ब्लेंडिंग करने में, हाईलाइट करने के लिए। तो आप जब तक आपको आपके आटो में हाईलाइट हो गया है ये ना लगे, तब तक आप हाईलाइट कर सकते हो, और इतना भी ज़्यादा हाईलाइट मत कर देना कहीं आपको फिर से डार्क करने की ज़रूरत हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए। इसको भी आपको लाइटली चार क्लॉक वाइज आपको फिंगर को घुमाते हुए ब्लेंड करना है। आप कॉटन बार भी ले सकते हो, जिसको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है वही कॉटन बार लेना है ज़्यादातर आपके पास, और कॉटन बार का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। और लगभग जो भी मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ उन सभी का परचेज लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। तो वहाँ पे जाके भी आप उनको परचेज कर सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट जो चैनल है यूट्यूब चैनल मेरा जो है सियाराम्स लाइफस्टाइल, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर दे ही दिया है, जहाँ पे वहाँ पर जाके भी उसको भी देख सकते हो। वहाँ पर मैं जो है ब्लॉग चैनल जैसे है लाइफस्टाइल है, और यहाँ पे जो है अभी तक तो ज़्यादा तक वीडियो आपने नहीं किया है, क्योंकि टाइम भी अभी तक तो मुझे इतना नहीं मिल रहा, क्योंकि ड्राइंग नहीं ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। लगभग मैं पार डे आप कितने, अब मेरा आपसे सवाल है कि आप पार डे कितने टाइम आप निकालते हो ड्राइंग करने के लिए? तो आपको मैक्सिमम टाइम कितना देना है और मिनिमम टाइम कितना देना है? तो अगर आप बिगिनर हो, अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कम से कम पार डे ड्राइंग में कम से कम 30 मिनट कम से कम तो देना ही है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हो, मतलब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप कम से कम तो देना ही पार डे। एक बार बहुत काम है, बिजी हो, एग्ज़ाम है, तो आप कम से कम 30 मिनट किसी तरह आपको निकालना ही होगा ड्राइंग करने के लिए। और ये नहीं कि आपको एक ही बार में आपने सुबह टाइम निकल कर 30 मिनट लगातार ड्रॉ किया, ऐसा नहीं। आपको कैसे, अगर आप ज़्यादा व्यस्त हो, ज़्यादा एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह कम से कम टाइम नहीं है तो 10 मिनट निकालना है और 10 मिनट ड्रॉ करो, उसके बाद रख दो। उसके बाद फिर से आप दोपहर को अगर ज़्यादा व्यस्त हो तो 10 मिनट फिर से निकालो, उसके बाद फिर से 10 मिनट करके आप ड्रॉ करो, उसके बाद रख दो। उसके बाद शाम को अगर टाइम मिले तो आप फिर से 10 मिनट कर दो। इस तरह से आपका जो है आधे घंटे का जो पैकेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा और आपका स्किल धीरे धीरे से ही इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आप बहुत तेज़ी से स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कहूँगा मैं आपको कम से कम 1.5 घंटे तो लगातार रोजाना, कम से कम 1 महीने तो प्रैक्टिस करना ही है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है 3 महीने तक आप कर लेते हो, लगभग आपका जो है आर्टवर्क वहाँ तक पहुँच जाएगा जिसे आप किसी का भी स्केच आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। जितना मिनिमम जितनी चाहिए एक स्केच को बनाने के लिए, जितने स्किल चाहिए उतना हो जाएगा अगर आप 3 महीने लगातार लगभग जो है 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, 1.5 से 2 घंटे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कौन सा सही रहेगा आपके लिए, और ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा ही प्रैक्टिस करो, अगर पास संडे तो कम से कम आपको 2 घंटे तो प्रैक्टिस करना ही है अगर आप अपनी स्किल को ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करना चाहते हो। तो अगर आप पर डे आधे घंटे 30 मिनट निकालते हो ड्रॉ करने के लिए, तो लगभग आपको जो 1 साल में आपका स्किल वहाँ तक पहुँच जाएगा जितना मैंने कहा। और अगर आप और तेज़ी से इम्प्रूव करना चाहते हो तो दोगुना 1 घंटे करके प्रैक्टिस करते हो तो 6 महीने, 1.5 घंटे तो 3-4 महीने, 2 घंटे करके करते हो तो 1 महीने में लगभग आपका स्किल वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डार्क करने के लिए जो है ग्रेफाइट पेंसिल HB का ही, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइटली मैं शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा प्रेशर अप्लाई करूँगा तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उसके बाद ब्लेंडिंग करने में ब्लेंडिंग करने के बाद भी वहाँ पे वो कलर ग्रेफाइट जो है ब्लेंड नहीं। तो बहुत बार जो है हाईलाइटिंग करने के बाद यहाँ तक जो है हाईलाइट हो पाया है, उसके बाद और भी हाईलाइट करूँगा, शायद वीडियो में आपको ना दिखे तो बाद में मैं हाईलाइट करूँगा। और आपका कोई भी सवाल है जो भी मैंने कहा, और मैं जो मेरा खुद का मैं कितने टाइम जो है टाइम देता हूँ पर डे कितना ड्राइंग करता हूँ, कितने घंटे हिसाब से अगर देखूँ तो पर डे लगभग जो है 2.5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ कम से कम।
कि किसी दिन तो 1 घंटे भी नहीं, किसी दिन थोड़ा भी, पर ज्यादातर मैं जो है 2.5 से 3 घंटे प्रैक्टिस तो करता ही हूँ। तो ये मैं 45 मिनट करके डिवाइड करता हूँ, 45 मिनट ड्रॉ करने के बाद रख देता हूँ, उसके बाद कुछ काम है उसको करने के बाद फिर से कभी टाइम मिले तो शाम को, दोपहर को, रात को 45 मिनट ड्रॉ करता हूँ। इसी तरह 45 मिनट करके डिवाइड करके रखता हूँ। ऐसे मेरा 3 पीरियड रहता है 45 मिनट का। इसी तरह आप कर सकते हो, अगर आप, आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको और आपके पास आपको तो टाइम निकलना है, क्योंकि मैं इतना टाइम इतना प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ता है, हमारा जो है यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे भी आप वीडियो अपलोड करना होगा। मैं इसलिए जो बाकी जो मैंने कहा 30 मिनट आधे घंटे 2 घंटे वो प्रैक्टिस जो करने वाले हैं कर रहे हैं उन लोगों के लिए, इसके इम्प्रूव करने वाले लोगों के लिए। बाकी यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। हाईलाइट करने के लिए व्हाइट जेल पेन तो है ही, तो व्हाइट जेल पेन से ही हाईलाइट करने की कोशिश करना। जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बात है सिर्फ वहाँ वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और बाकी थोड़ा बहुत जहाँ पे हाईलाइटेड है वहाँ पे आप जो है व्हाइट कलर का ऑयल पेस्टल कलर भी यूज़ करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक देखा और इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो। कोई भी सवाल है तो बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं आँखों के ऊपर ब्लू कलर जैसा दिख रहा है तो वहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ब्लेंड भी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।